बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज वीडियो आई विल गिव आंसर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट हु हैव सीन माय वीडियोस ऑन पीपीएससी इंटरव्यू। इट्स रियली गुड दैट आई एम गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। द क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाई बफलो शो साइलेंट हीट। First of all, we should know what is silent heat. In silent heat, animal is in psychologically in heat, but doesn't show behavioral sign like bellowing, mounting, restlessness, etc. What is the reason? Reason is that buffalo is inefficient in thermoregulation. जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर जो है वो राइज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बफलो जो है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, बफलो जो है वो हीट स्ट्रेस में आ जाती है। हीट स्ट्रेस की वजह से जो है वो हमारे पास हीट के जो है वो साइन शो नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई फर्स्ट हीट इज यूजुअली साइलेंट। द आंसर इज यू नो एस्ट्रोजन इज नीडिड फॉर शोइंग द हीट साइंस, बट एस्ट्रोजन ऑल्सो नीड प्रोजेस्ट्रॉन टू मैनिफेस्ट द हीट साइन। In first heat, there is low level of progesterone, so usually there is no heat sign in first heat. Third question is, what is different between milk and yogurt and which is more beneficial? Yogurt is formed through bacterial fermentation of milk. It contains less lactose. इसमें जो होता है वो हमारे पास लैक्टोज जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है और वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है दूध का चेंज हो जाता है। तो डिफरेंस हमारे पास यही है कि इसमें लेस लैक्टोज होता है। और मोर बेनिफिशियल की अगर हम बात करें तो योगर्ट जो है वो इज समवट मोर बेनिफिशियल एज इट कैन बी टेकन बाय लैक्टोज इनटॉलरेंट पीपल एंड इट ऑल्सो लोअर्स द बीपी। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कीटोसिस एंड हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएट प्रैक्टिकली थ्रू क्लिनिकल साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीटोसिस की बात कर लेते हैं, कीटोसिस होती क्या है। कीटोसिस में जो है वो हाई प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज होती है इन लेट प्रेगनेंसी या इंटेंस लैक्टेशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, बॉडी ग्लूकोज की डिमांड पूरी नहीं कर सकती, इसलिए फैट मोबिलाइज होती है जिसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर कीटोन्स प्रोड्यूस होती हैं। अब इसके क्लिनिकली या प्रैक्टिकली साइंस क्या होंगे, प्रैक्टिकल साइन इसके हमारे पास ये होंगे कि एनिमल जो है वो अपनी बेडिंग को ईट करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप उसको चारा डालते हैं ग्रेन के साथ तो वो चारा खा लेता है, ग्रेन छोड़ देता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सब कट फैट जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एनिमल की वुडी अपीयरेंस हो जाती है। नंबर तीन पे जो है वो हमारे पास उसके पास हमारे पास जो है वो शुगर की स्मेल आती है उसकी सांस से, उसके मिल्क से और उसके यूरिन से। नेक्स्ट जी हम हाइपोमैग्नीसीमिया या ग्रास टैटनी है, इसमें क्या होता है जी, आपके पास मैग्नीशियम के लेवल जो है वो लो हो जाते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि जी लश ग्रीन इमेच्योर जो ग्रास है वो जानवर को दी जा रही है जिसमें मैग्नीशियम का लेवल जो है वो कम है या उसकी लैक्टेशन की डिमांड बहुत हाई है। मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास बहुत ज़रूरी है मस्क्यूलर एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए, इसलिए इसमें हमारे पास जो साइन आएंगे वो मस्क्यूलर एंड न्यूरोलॉजिकल होंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे उससे कीटोसिस से, इसमें यह है कि हमारे पास टिटैनिक सिंड्रोम होंगे लाइक ट्विचिंग ऑफ मसल, एक्टैक्सिया, मसल स्पाम एंड स्टिफनेस ऑफ लेग्स, ठीक है। इसको अगर आप एक दफ़ा गूगल कर लेंगे या यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख लेंगे कीटोसिस इसकी हाइपोमैग्नीसीमिया के, तो आपको ये जहन नशीन रहेगा कि इनके जो प्रैक्टिकल जो है वो साइन में क्या डिफरेंस है। मिल्क फीवर जो है, वाई वी कॉल्ड मिल्क फीवर एज फीवर when there is no rise of temperature। अच्छा जी, ये है कि initially जब हमारे पास disease discover हुई थी तब fever जो term थी वो हमारे पास as a whole disease के लिए use होती थी, तो इसलिए हमने इसके साथ milk fever लगा दिया, इसलिए fever का जो word था वो milk के साथ use हो गया disease के तौर पे। तो लेकिन ये बाद में जो है ये differentiate हुआ कि fever जो है वो hyperthermia के लिए use होता है, not for hypothermia। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीमन एंड स्पर्म। सीमन इज ओनली लिक्विड पोर्शन विच कैरीज द स्पर्म
प्रोवाइड नरिशमेंट एंड मोबिलिटी। इसका जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन में इसका कोई लिंक नहीं है, ये विजिबल टू नेकड आई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होता है। इसके जो ऑपोजिट या वर्सेस हमारे पास स्पर्म है, ये सेलुलर कंपोनेंट है सीमन का, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और ये स्पर्मेटोजोटिक सेल जो होते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड एज वीयू। देखिए इसमें आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी स्किल्स बतानी है, मतलब आप कह सकते हैं आई एम क्वालिफाइड, आई एम पैशनेट, आई हैव स्किल, कॉम्पिटेंट एंड आई हैव कॉन्फिडेंस, सो आई शुड बी सिलेक्टेड एज वीयू। अच्छा जिसके बाद क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वीयू की। वीयू की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है जी, सबसे पहले तो सर्व द इल एनिमल्स, ठीक है। उसमें आपके पास ओपीडी भी आ जाएगी, आपके पास फील्ड सर्विसेज भी आ जाएंगी। ऐसा एनिमल जो आपके पास ओपीडी, ये है कि वो आपके पास एनिमल चल के खुद हॉस्पिटल आया। फील्ड सर्विसेज ये है कि वो एनिमल चल के नहीं आ सकता, ऑन फार्मर रिक्वेस्ट जो है आपने उसको ट्रीट करना है। इसके अलावा आपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, इसके अलावा आपके पास डिपार्टमेंटल जितनी भी पॉलिसीज हैं आपने उनको फॉलो करना है, स्कीम्स जो है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा ब्रीड इंप्रूवमेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। आपने एआई को सुपरवाइज करना है, इसके अलावा पी टेस्ट को आपने सुपरवाइज करना है, एक्सटेंशन सर्विसेज का मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग्स के लिहाज से डिपेंड करता है, आपकी एक्सटेंशन में हो रही है, आपकी ब्रीड इंप्रूवमेंट में हो रही है, रिसर्च कैडर में अगर हो रही है तो आपका डेफिनेटली रिसर्च पे यानी कि वैक्सीनेशन पे काम होगा। इसके अलावा अगर आपकी किसी फॉर्म पे हो रही है तो वहाँ पे आपका एनिमल ब्रीड्स पे, एनिमल प्रोडक्शन पे, उससे रिलेटेड काम होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।